झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम ले रहे हैं कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक अंतरा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया एक आत्मकथानक निबंध, जिसे हम संस्मरण के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले उनके इस निबंध अर्थात जिसका शीर्षक है प्रेमघन की छाया स्मृति, उसका हम सार जानते हैं। शुक्ल जी ने अपने इस निबंध की शुरुआत में ही अपने पिता की स्मृति करते हुए कुछ बातें बताई हैं, जैसे कि वे फारसी कविता से बहुत प्रेम करते थे, उन्हें प्राचीन नाटकों से भी प्रेम था और आधुनिक साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखे गए नाटकों को वो घर में सबको पढ़कर सुनाया करते थे और इस कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी में बचपन से ही साहित्य के प्रति अनुराग पैदा हो गया था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनका तबादला हुआ और वो मिर्जापुर चले गए। पिता के मिर्जापुर जाने के कारण पूरा परिवार ही मिर्जापुर आ गया और रामचंद्र शुक्ल जी भी आ गए। यहीं पर उन्हें पता चला कि मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी जी रहते हैं। शुक्ल जी के मन में भारतेंदु जी के प्रति उत्कट निष्ठा और आकर्षण बन गया था और वो उनसे मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे कि इतना बड़ा लेखक आखिर कौन है। तो जब उन्हें ये पता चला कि उनके एक मित्र यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उनके मित्र को ही देखने का एक कार्यक्रम बनाया। उनके विद्यालय के वो बच्चे जो मिर्जापुर के ही रहने वाले थे और जिन्हें बद्री प्रेम नारायण प्रेमघन जी का घर भी पता था, उनकी एक टोली लेकर के एक दिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वहां पहुंच गए। उन्होंने दूर से देखा कि पत्थरों से बना हुआ एक बड़ा खूबसूरत मकान है। वह मकान पूरी तरह से लताओं और पेड़ पौधों की खूबसूरती से सजा हुआ था, परंतु वहां कोई नहीं था। वे बड़ी देर तक एकटक उसी मकान की ओर देखते रहे। कुछ देर बाद ही उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वहां आकर के खड़े हो गए। उनके लंबे लंबे बाल थे जो कंधों तक लहरा रहे थे। उनका एक हाथ उनकी कमर पर रखा हुआ था और वे लता वितान के बीच में आकर इस तरह खड़े हो गए थे जैसे कि वहां कोई खूबसूरत चित्र रख दिया गया हो। शुक्ल जी मोहित होकर के उन्हें देखते रहे और थोड़ी देर के बाद चौधरी जी वापस घर के अंदर चले गए तो बच्चों की यह टोली लौट आई। फिर शुक्ल जी को एक बार एक बारात में काशी जाने का मौका मिला। जब वे काशी की यात्रा पर थे तो वहाँ उन्होंने शहर को घूम करके देखने का भी मन बनाया और टहलते हुए जब वो एक किसी दिशा में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक घर से उनके पुराने जान पहचान वाले मित्र केदारनाथ पाठक जी एक घर से बाहर निकल रहे। दोनों में मुलाकात हुई, नमस्कार हुई, दुआ सलाम हुआ और बातों से ही पता चला कि जिस घर से पाठक जी निकले हैं असल में वही भारतेंदु हरिश्चंद्र रहते हैं। यह तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के लिए बहुत ही आनंद का विषय बन गया, उनके आकर्षण का विषय बन गया कि वे उस घर के सामने खड़े हैं जहां उनका प्रिय लेखक रहता है। तो जब उन्होंने उस घर को देख लिया तो उन्हें उतनी ही प्रसन्नता हुई जैसे कि वो खुद रामचंद्र शुक्ल जी मानो भारतेंदु से मिल रहे हों।
और जब 16 वर्ष की अवस्था थी रामचंद्र शुक्ल जी की, तभी उस समय के लिखने पढ़ने वाले लेखकों के साथ उनका घनिष्ठ परिचय हो गया था। उनकी एक टोली ही बन गई थी और इस टोली में उस समय के बड़े बड़े नामी गिरामी साहित्यकार थे, जैसे काशी प्रसाद जायसवाल, बाबू भगवान दास आलना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमा शंकर द्विवेदी, ये सारे लोग जो हैं उस टोली के सदस्य थे और शुक्ल जी उनके साथ उठते बैठते थे, बातें करते थे, बहसें करते थे और अच्छी जो साहित्यिक भाषा है उसमें बातचीत करते थे। उनकी बातचीत में एक शब्द बार बार आता था और वह शब्द था निस्संदेह। और निस्संदेह शब्द को सुन सुन करके आसपास के लोगों ने इस टोली का नाम ही रख दिया था निस्संदेह टोली। तो शुक्ल जी ने इस तरह की रोचक बातों का अपने इस निबंध में बहुत ही प्रवाहमयी भाषा में वर्णन किया है। चौधरी प्रेम नारायण चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन जी के साथ तो उनकी बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी और चौधरी जी अमीर तबीयत के आदमी थे और स्वभाव से मजाकिया थे, तो तरह तरह की ऐसी घटनाएं व्यवहारिक रूप से घटती रहती थी जिनमें से हास परिहास पैदा होता है। तो यह था रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित उनका संस्मरणात्मक निबंध प्रेमघन की छाया स्मृति। और अगली बार हम इसी पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आपसे हमारा अनुरोध है कि कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है वहां जाकर के आप हमारी वेब लिंक भी पा सकते हैं और उसके जरिए आप वेबसाइट पर जाकर के यहां हम जो कुछ आपसे बता रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल दीजिए। हमें उसका जवाब देते हुए बेहद खुशी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।